नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह से, जो कि एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। मोहम्मद अली शाह का जन्म कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। IIM कोलकाता से मैनेजमेंट की पढ़ाई की, फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी ज्वाइन की और मेजर की पोस्ट से रिटायर हुए। अली शाह को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और छोटी उम्र से ही रंगमंच ज्वाइन कर लिया था। अली शाह ने फिल्म एजेंट विनोद में करीना कपूर के साथ और बजरंगी भाईजान में सलमान खान के साथ एक्टिंग की है, तो फिल्म हैदर में आर्मी मेजर की भूमिका निभाई है। इसके अलावा वोदका डायरीज, राग देश समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है, तो फिल्म रफियन में मुख्य किरदार निभाया है। इस फिल्म में एक्टिंग के लिए अली शाह को 18 अवार्ड मिले हैं। तो मशहूर एक्टर नसरुद्दीन शाह चाचा भी हैं मेजर मोहम्मद अली शाह के। और आपको यह भी बता दें कि 2007 में रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह को नॉर्थ ईस्ट में गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है, तो जो 2008 में 26 जनवरी के समय परेड होती है उसमें असम राइफल्स का नेतृत्व भी किया है रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके आर्मी के लाइफ के बारे में, जो उन्होंने 5 साल बिताए और कैसा था इनका अभिनय का सफर और कैसा लगातार जारी है इनका अभिनय, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं मेजर और बेहतरीन अभिनेता, रिटायर्ड मेजर और बेहतरीन अभिनेता मोहम्मद अली शाह जी। मोहम्मद अली शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। शुक्रिया भागीरथ भाई, मेरे को यहाँ पे दावा देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, हमने आपको टीवी में देखा है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता था और बहुत सारे लोगों ने टीवी में आपको, फिल्मों में आपको देखा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा जहन में नहीं रहता कि अच्छा, जो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं ये एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। तो और जैसे हमें पता चला कि बहुत बचपन से ही आप इस एक्टिंग की फील्ड में आ गए थे और बहुत बचपन से आपने अभिनय करना शुरू कर दिया था, तो हम उस सफर को जानना चाहेंगे। आखिर वो जो दौर कैसा था जब आपको लगा कि मुझे एक्टर बनना है, या आप शौक के तौर पर एक्टिंग करते थे क्योंकि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो आर्मी से ही रहा है, तो कैसे था, मतलब आपने शौक के तौर पर शुरू किया था या आपने कभी सोचा था कि आगे चल के मैं इसको एज ए फुल फ्लैश काम भी करूंगा और फिल्मों में अभिनय भी करूंगा और बाकी तमाम तरह के जहां जहां मैं हो सकता है, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि आप मुंबई में एक बड़े एक्टिंग स्कूल में आप एक्टिंग ट्रेनर भी हैं। अगेन भाई शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं सबसे पहले तो आपकी रिसर्च, आपकी तैयारी की मैं दाग देता हूं भाई। आपके पास बिल्कुल सटीक एक्यूरेट इनपुट थे मेरे पास मेरे बारे में, और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं आज अपने साथ बैठा हूं और हम एक हल्के मामले पे डिस्कस कर रहे हैं। अक्सर आप और मैं, हमने बात की है डिफेंस मामले पे, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामले पे, रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में, तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ऐसे मामले में बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे हम एक लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन कर रहे हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। जी हाँ, आपकी बात का अगर जवाब दूं मैं, तो मैंने बचपन में ही बहुत पहले, मैं 5 साल की उम्र का रहा है, 5 साल की उम्र से मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे को बड़े हो गए क्या करना है जी। मेरे को रंगमंच पे मैं गया और मेरे को बड़ा मजा आया भैया, बड़ा कॉन्फिडेंट था। और मैं बचपन में ना भगवत भाई हकलाया करता था, चुतलाया करता था, अटक अटक के बातें करता था, ठीक से बोल नहीं पाया करता था मैं, लोग मेरे पे हंसते थे, मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है। मगर जब मैं रंगमंच पे जाता था, एक अलग ही जोश, एक अलग ही जुनून, एक अलग ही भूत सवार सिर के ऊपर आया था मेरे, पता नहीं क्या आया था मेरे को रंगमंच पे आते ही, एक अलग ही हाई मिला था। तो मैं इसमें ये भी जिक्र करना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा बचपन में हकलाते थे, तो जब आप रंगमंच में होते थे, स्टेज में होते थे, तो जो वो आपकी हकलाहट वो गायब हो जाती थी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल 100% गायब। हाँ, मतलब कोई कह नहीं पाता था रंगमंच पे, जो लड़का रंगमंच पे एक्टिंग कर रहा है जी, ये रियल लाइफ में हकीकत में हकलाता है एक्चुअली। क्या बात है, ऐसा कोई नहीं कह सकता था। हाँ, और मेरे हकलाने की आदत जो है वो कैसे दूर हुई, जब मुझे खुद अपने आप से प्यार होने लग गया। क्या बात है, बहुत खूब शुक्रिया। बहुत अच्छी लाइन कही आपने, क्योंकि अक्सर और होना भी चाहिए, अगर अपने आप से प्यार आप करेंगे तो तभी आप अपने आसपास के लोगों से प्यार करेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल। और जब मुझे खुद एहसास हुआ कि भाई मैं
मैं अगर रंगमंच पे अकलता नहीं हूँ तो आम जिंदगी में क्यों अकलाता हूँ भाई जी। इसके बारे में मैंने खूब तैयारी करी, खूब जान के काम करा, अपने इंग्लिश रीडर लेके, हिंदी रीडर लेके मैं आईने के आगे मुंह में पेंसिल डाल के रोज जोर जोर से बोला करता था, चीख चीख के बोला करता था, वही लाइनें रो रो के, हद हद के, हल्की आवाज में फुसफुसला के, चिला चिला के, अलग अलग तरीकों में मैं बोला करता था जी। तो उसके बाद मैं एक डिबेटर इमर्ज करके आया। हाँ। तो मेरे को स्कूल में प्राइज मिलने लग गया डिबेटिंग का, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट इन डिक्लेमेशन, ऐसे करते करते फिर मैं रंगमंच तो मैंने पकड़ के रखा। हाँ। और मेरे उस्ताद, मेरे गुरु मैं मानता हूँ थिएटर में, नफीउद्दीन शाह साहब जी, टॉम वॉल्टर साहब को, और हाँ। डॉक्टर सैयद आलम साहब हैं, उनके साथ मैंने बहुत सीखा है रंगमंच के बारे में, और मैंने काम बहुत जी। आईआईटी आईएम का एक ग्रुप अच्छा, है। अच्छा, नसीर साहब तो आपके चाचा ही हैं आपके, तो जब आपने ये इच्छा जाहिर की होगी या फिर जब उनको पता चला होगा कि आप भी इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या आप भी एक्टिंग करते हैं, तो कुछ टिप्स तो उन्होंने दिए होंगे आपको कि बेटा इन चीज़ों का तुम ध्यान रखना, या यह चीज़ सही नहीं कर रहे हो, इसको ऐसा करो, या अगर इसको ऐसा करोगे तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा। कुछ टिप्स तो मुझे लगता है वो देते ही होंगे और उन्होंने आपको दिए ही होंगे। भाई भगत भाई, सन 2001 में हाँ। मैं नफीर साहब हर साल जाते थे एनएसडी, जाते वो पास आउट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बल्कि हमारा खानदान जो एक्टरों का है वो वहां से पास आउट है। हाँ। तो एनएसडी जाके वो थर्ड ईयर एक्टर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। तो तीन लोग ऐसे थे जो कि स्टूडेंट्स नहीं थे एनएसडी में, लेकिन इनको इजाजत मिल गई थी एक्सटर्नल स्टूडेंट के बाहर से आके क्लासेस अटेंड करने की थर्ड ईयर के साथ। और ये तीन लोग कौन थे? शाहिद कपूर, रणदीप हुड्डा हाँ। और मोहम्मद अली शाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो थर्ड ईयर उसके बाद तो पास आउट हो गए, शाहिद कपूर, रणदीप हुड्डा बंबई गए हाँ। और वहां पे स्टार बन गए हाँ। मैं तो खैर उस टाइम पे बंबई नहीं गया हाँ। मैं फौज में गया हाँ। लेकिन अपने कंधे पे मैंने स्टार कमाया। क्या बात, बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल ये भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि एक तरफ आपका रंगमंच चल रहा था और आप एक्टिंग को लेकर आप बड़े पैशनेट थे, तो फिर ये आर्मी में ज्वाइन करना आपका कैसे मूड हुआ कि मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत और देश की सेवा करनी चाहिए, ये जज्बा कैसे आपके अंदर आया और फिर कैसा रहा आपका वो जो 5 साल का जो टर्म था आर्मी में वो कैसा रहा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, हमारा खानदान दरअसल फौज में सेवा कर रहा है पिछले 200 सालों से। क्या बात। और मेरे फादर इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस से रिटायर हुए थे, उनके पूरे देश की सेना में दूसरे ऑर्डर पे जी, सेकंड ऑर्डर। तो एक खानदानी परंपरा भी थी और एक देश सेवा करने की भावना भी थी और एक वो देशभक्ति होती है वो हर एक में है। बिल्कुल। और जरूरी नहीं कि आप फौज में जाके ही देशभक्ति करें जी। आप देशभक्त हैं, आप जो देश के लिए काम करते हैं, आप लोगों तक अच्छी खबरें पहुंचाते हैं, सब देशभक्त हैं और सब अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ एक म्यूनिसिपैलिटी का आदमी वो भी देश की सेवा कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेरे अंदर एक वो जोश जज्बा था एक फौज जाने का। और दूसरी एक वजह और वजह थी भगत भाई, ये वजह ये थी कि दरअसल कॉलेज के बाद मेरा दाखिला नहीं हुआ था भैया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, अच्छा, एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जहां पे खुद मेरे चाचा नसीर साहब वहां पे एक बोर्ड मेंबर थे। हाँ। वहां पे मेरा 2 मरतबा दाखिला नहीं हुआ, सन 2001 में और सन 2002 में। सन 2001 में पंकज त्रिपाठी जो अभी मशहूर कलाकार है, बड़े अच्छे दोस्त है मेरे, बड़े बड़े अजीब करीबी दोस्त है मेरे, हम दोनों साथ में ट्राई कर रहे थे, पंकज का दाखला हो गया, मेरा दाखला नहीं हुआ। तो पंकज ने कहा कोई बात नहीं अली, हिम्मत मत हारो, अगले साल आना, हम तुम्हारे सीनियर होंगे, हम सेकंड ईयर में होंगे, हम तुम्हारी रैगिंग करेंगे। तो खैर मैंने फिर से ट्राई किया दूसरी बार भी मैं फेल हो गया एंट्रेंस टेस्ट में, दाखला उन्हें मेरे को सिलेक्ट नहीं करा, क्योंकि मैं जिसमें आपको बताया कि मैं हकलाने की बहुत प्रॉब्लम थी मेरे को। जब इंटरव्यू में उसे मेरे पूछा गया तो मैं अटक अटक के बातें कर रहा था। अब कोई भी बोलेगा भैया बंदे को एक्टर बनना है और इसका तलफुज, इसका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, एक्टिंग आप कितनी भी अच्छी कर ले, नसीर साहब ने मेरे को टिप भी दी थी कि भाई तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, एक तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी स्पीच में वो बात नहीं है भैया, उस पर काम करो। और मैंने बहुत काम किया भैया, बहुत काम किया, मैं कड़ी मेहनत करी। और आप यकीन मानेंगे भगत भाई, जो लड़का बचपन में बोल नहीं पाया करता था, हकला के बातें करता था, अटक अटक के बातें करता था, लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, लोग उस पर हंसते थे, उसे कोई दोस्ती करने को तैयार नहीं था, आज की तारीख में
एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर बन के बैठा है आपके आगे। बिल्कुल डेफिनेटली, और हम देखे रहे, इतना अच्छा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते रहे, लेकिन 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 इतने सारे आपके जो आपने आपने अर्जित किया है, इतने सारे आपके पास अचीवमेंट है, तो मैं चाहूँगा उन सारे अचीवमेंट में आपसे बात करना चाहूँगा। तो आर्मी का जिक्र हमने किया था कि आपने किस तरह से आपने ज्वाइन किया, बस एक छोटा सा आप बताइएगा कि जो 5 साल का जो समय रहा है आर्मी का, वो कैसा रहा आपका और क्या कुछ खास यादें रहीं, उसके बाद फिर आप एज ए मेजर की पोस्ट से आप रिटायर हुए, फिर मैं बाकी जो आपकी फिल्मों वाले जो अचीवमेंट है उसमें जाना चाहूँ, क्योंकि समय कम रहता है, समय ऐसे गुजर जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने सारे अचीवमेंट है मैं उस पर बात करूँ। जी, मैं सन 2003 में कमीशन हुआ था एज एन ऑफिसर। तब मेरी पोस्ट, मैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे रहा 2 साल। हमारी पोस्ट आखिरी पोस्ट थी हिंदुस्तान की, और वहां पे पाकिस्तान की पहली पोस्ट वहां बॉर्डर की सरहद के उस पार पे थी। तो 30 मीटर का फासला था, यहाँ पे हम और यहाँ पे पाकिस्तान की पोस्ट, यहाँ पे हमारा झंडा और यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा, 30 मीटर, बीच में एक फेंसिंग थी और खाई थी बस। और वहां पे 2 साल रहा, फिर 3 साल में रहा नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर नागालैंड में, तो वहां पे मैंने नागामी बोलनी सीखी। और फौज में वो 5 साल मैंने सीखा क्या जो एज एन एक्टर भी काम आता है, मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग एंड पोलो, डीप वाटर डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैराशूटिंग, पैरा जंपिंग, पैराट्रूपिंग, वो सब मैंने फौज में सीख लिया। और इसके अलावा जो स्पीच है, जिसमें जो मेरी कमजोरी थी, वो ऐसा तो नहीं है आप दवाई खा लेंगे खट से और अगले दिन सुबह को आप जाग जाएंगे भैया अच्छा बोलने लग गया, या तो कोई जादू मंत्र किसी ने पढ़ लिया, अब आप अच्छे स्पीकर बन गए। तो वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसमें 5 साल मेरे को और काम करने का मौका मिल गया। बिल्कुल, और वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे इंटरव्यू करके कि हमारे एक देश के एक ऐसे व्यक्ति से जिसने 5 साल बॉर्डर में खड़े होकर हमारे इस देश की सुरक्षा की है, तभी हम सभी लोग जो देश के अंदर है हम चैन की नींद सो पाते हैं। एक बार फिर से सैल्यूट आपको। अच्छा, उसके बाद फिल्मों की बात करते हैं, फिर कैसा जो फिल्म का जो सफर था, क्योंकि आप बिल्कुल आप इसी इंतजार में होंगे कि जैसे आपकी देश सेवा का कुछ, उसके बाद जब आप रिटायर होंगे वहां से, उसके बाद फिर जो आपका एक पैशन है उस पर आप जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपने कई कॉर्पोरेट कंपनी में बड़े बड़े पद पर आपने काम भी किया। जो पहली फिल्म थी आपकी वो थी एजेंट विनोद, ये कैसे मिली आपको ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जो पहला ब्रेक होता है उसके लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो कैसे मिली आपको पहली फिल्म ये? हालांकि मुझे लगता नहीं शायद ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी होगी आपको, मुझे लगता है आसानी से ये रोल आपको मिल गया होगा। नहीं भाई, जद्दोजहद तो बहुत करी हमने। अच्छा। और हमारे दोस्त है आदिल हुसैन जी, वो बहुत अच्छे आसान के हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया कि डायरेक्टर को मिलो, वो हमारी कॉलेज के डायरेक्टर है, फर्ग्यूसन कॉलेज, हमारे सीनियर रह चुके हैं, और एफटीआई से भी है श्रीराम राघवन, जिन्होंने फिल्म बनाई थी, और एफटीआई के साथ मैंने काम कर रखा था सन 2008, ये 98 से 2001 तक जी। तो जो फिल्में होती है शॉर्ट फिल्म, उन्हें मैं एक्टिंग किया करता था। और जहां पे मेरे रोल नहीं था वहां पे उनकी कैमरा उठाना, बायपॉड ट्रैपर उठाना, लोकेशन हंटिंग करना, सबको सेट पे पानी चाय पिलाना, और बेसिकली पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय, वो काम मैं कर चुका था। एक एडिटिंग कैसे होती है, उस तरीके से बिहाइंड कैमरा क्या काम होता है, वो सब मैं सीख के फिर मैं आया। तो वो तो आदिल ने मेरे को बोला कि तुम जाके श्रीराम राघवन से मिलो, तुम्हारे लिए ये आप देख रहे हैं उस तरह का रोल है। तो उससे मैं ऑडिशन दी और मैं सिलेक्ट हो गया, तो एजेंट विनोद मेरे को वैसे मिली। उसके बाद फिर हैदर आई, और हैदर भी मेरे को विशाल भारद्वाज को जब मैं मिलने गया तो मैं बोला सर मैं फौजी आदमी भी हूँ और मैं एक्टर भी हूँ, आप ढूंढने भी जाएंगे आपको कोई एक्टर नहीं मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल जो हकीकत में फौज से आया हो। अच्छा, हैदर का जी, हैदर का आपने जिक्र किया है, एक हैदर का मुझे एक किस्सा भी मुझे पता चला है कि आप शायद जो कुछ कॉल टाइम में आपको किसी लोकेशन में पहुंचना था लेकिन आप समय से कहीं और पहुंच गए थे, और शायद जाना कहीं और था लेकिन शायद आप कहीं और पहुंच गए थे और रास्ता भटक गए थे, ऐसा कुछ मुझे थोड़ा पता चला, तो विस्तार से बता क्या हो गया था एग्जैक्टली। सबसे पहले तो आपकी रिसर्च की आपको वाकई में आप पूरी तैयारी करके आते हैं, ठीक है जी। हाँ, बात आपकी दुरुस्त है, हुआ यूए था कि हमारा कॉल टाइम था सुबह 5 बजे का, और मैं फौजी आदमी, और जितने भी मेरे साथ के सीन से फौजियों ने रोल किए हैं वो एक्टर नहीं है, वो हकीकत के फौजी हैं, मेरे पुराने साथी हैं, वो अपनी वर्दी, बूट, बेल्ट, कैप, टोपी सब लेकर आए थे जी। तो हम अपनी वर्दी में ही डिस्टर्ब इलाका था, हम अपनी वर्दी में कॉलेज में बैठ के हम जा रहे थे, हमने कहा हम 4:45 पे रिपोर्ट कर देंगे 15 मिनट पहले,
तो पुलिस ने रोकी गाड़ी हमारी। हाँ। और हमने कहा जा रहे हम शूटिंग के लिए, हम एक्टर हैं, ये है वो है। हाँ। वर्दी, फौज की वर्दी क्यों पहनी हुई है? हाँ। तो हमने बोला नहीं नहीं हम शूटिंग करें, तो वहां पे सेट पे चेंज करते ना, पहले क्यों चेंज कर गए? अब हमको थाने ले आने वाले थे, लकीली हमारे पास एक्स सर्विसमैन आई कार्ड था हमारा, जी जी जी, ये पहले भूतपूर्व फौजियों का। हाँ। हमने वो दिखाया, भाई साहब माफ कीजिएगा ये करके। तो उन्होंने कहा भाई मगर एक काम करो, ऊपर एक सिविल का कपड़ा पहन लो, इस इलाके में खतरा है, यहाँ पे आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो हमको मालूम था खतरे से खाली नहीं है ये जगह। हाँ। लेकिन फिर भी तो हम वहां से बच, बहुत लंबा एडवेंचर हुआ था एक तो वो। हाँ। और एक और मजा यह किस्सा है भाई, जी अगर आप इजाजत दे तो मैं वो प्लीज 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 प्लीज। हम दूरदर्शन के लिए एक सीरियल था दिल आशना है। हाँ। उसमें मैं एंटागोनिस्ट लीड विलन का मैं रोल था उसमें। हाँ। तो कई लोग माइक जो होता है माइक लगाते हैं, तो माइक ऑन करके पैकअप के बाद चले गए। अब जो वो बात कर रहे हैं तो वो तो आवाज पहुंच रही होगी, जिस जिसकी और बुराई कर मैं रहे थे सबको पता चला होगा कि अली भाई किस किस तरह से बातें कर रहे ये एक और मजा यह कैसे हुआ था भैया जी। देश में। बिल्कुल, बाकी चीजें इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा, और फिर इसके अलावा जो बजरंगी भाईजान है, इसमें आपने सलमान खान के साथ भी अभिनय किया, तो सलमान खान के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? भाई मैं मेरा तजुर्बा, पर्सनल तजुर्बा रहा है, सलमान खान के साथ बहुत ही जेंटलमैन आदमी है हाँ और बहुत ही हेल्पफुल है, लोगों की मदद करते हैं। जी, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी जब हैदर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तब मैं फिल्म फेयर अवार्ड के लिए गया था, तो हाँ मेरी मुलाकात हुई थी सलमान खान से। मैं कहा भाई ये मौका है, और मैं कभी सलमान खान का फैन नहीं था भाई, हाँ कभी नहीं। इतना कि भाई फैन होते हैं ना कि भाई ना, मैं उनके पास गया और उनको बोला कि आदाब मैं मेजर मोहम्मद अली शाह हूं। तो उन्होंने मेरे को यूं घूर घूर के देखा, मेजर? मैं कहा हाँ अभी मैं फौज में मेजर साहब था, अभी मैं एक्टिंग करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को गले लगाया और मेरे को कबीर खान जो बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर है इनसे जी तारुफ करवाया। अभी भी मैं टच में हूँ उनके, कबीर हाँ खान साहब से मैं अभी व्हाट्सएप पे इसलिए होते हैं। जी तो कबीर खान साहब से मुलाकात हुई, वहां पे ऑडिशन किया मैंने, हाँ और फिर बजरंगी भाईजान में एक फौजी का ही रोल मिला उसमें क्या दरअसल। बात, और बहुत कई लोग बढ़िया। पहचान नहीं पाते हैं, कई लोग बोलते हैं भाई तुमने इतनी फिल्में कर रखी है तुम पहचानते नहीं है, तुम हमें पता नहीं कि तुम वही आदमी हो। वो जी मेरे लिए जी कॉम्प्लीमेंट है भाई। बिल्कुल एक बिल्कुल, आपको एक और दिलचस्प किस्सा बताऊं नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे। ये हैदर के टाइम में, उसके बाद मैंने 11 की शूटिंग करा था। 11 है हाँ हाँ तिग्माशी धूलिया ने डायरेक्ट करी है, जी उसमें रिजु चावल, श्रुति हसन, अमित साल, विजय वर्मा, संजय हाँ मिश्रा, हम लोग हैं लीड कास्ट में। जी तो उसमें मैं सरदार का रोल करा था मैं, हाँ और सरदार बनने के लिए, जगजीत सिंह बनने के लिए मैंने अपनी दाढ़ी उगाई थी भाई, 2 साल, अरे दो ढाई बाप। साल केश उगाए, 6 मीटर की पगड़ी होती है ना, वो हाँ मैंने खुद बांधनी सीखी कि क्या बात। पगड़ी कैसे बांधते हैं। और मैं चेन स्मोकर था, हाँ मैंने सिगरेट छोड़ दी एक ही दिन में। वाह, बहुत मैं बढ़िया अमृतसर गया गोल्डन टेम्पल, वहां जी। पे जमीन पे बैठ रहा, फर्श पे झाड़ू हाँ पोछा बर्तन सब काम कर रहा था मैं, बहुत सेवा बढ़िया, बेसिकली। और मैंने जब 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 मतलब मुझे पगड़ी, लगता है और इतना इतना डेडिकेशन तो जो दूसरे एक्टर है वो भी नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि 2 साल, 2 साल तक एक रोल के लिए इतनी मेहनत करना, वाकई बिल्कुल बिल्कुल, वाकई आपके इस जज्बे को सलाम। और मुझे लगता है कि जो 5 साल जो आपने आर्मी में रहकर सीखा है, मुझे लगता है ये वही डेडिकेशन है जो आपके एक्टिंग में काम भी आ रहा है। तो अलीशा जी, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, कोई डायलॉग जरूर सुनना चाहूंगा मैं, और हमारे दर्शक भी कोई संवाद आपसे सुनना चाहेंगे जो भी जरूर आपने जरूर। फिल्मों में किया हो, बिल्कुल प्लीज जरूर सुनना चाहेंगे। देखो विलियम शेक्सपियर के पूरे प्लेज मालूम है, लेकिन हाँ विलियम शेक्सपियर के जो लाइंस है वो अंग्रेजी में है, क्योंकि आपका हिंदी चैनल है, तो जी इसके लिए मैं विलियम शेक्सपियर का ही अडेप्टेशन, हैमलेट का अडेप्टेशन हैदर है, तो जी हैदर से आपको डायलॉग बताता हूँ मैं आपको। तो प्लीज प्लीज। हैदर के ओपनिंग सीन में, जिसको 5 नेशनल अवार्ड मिले उस फिल्म को, हाँ ओपनिंग सीन में मैं फौजी बन के आता हूँ और मैं बोलता हूँ शाहिद कपूर के फादर के घर के बाहर, हाँ इखलास लतीफ सरेंडर कर दो, देखो तुम्हें भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा, हथियार अंदर छोड़ के बाहर आ जाओ, यू डोंट हैव अ चांस, मारे जाओगे। तो वो डायलॉग था मेरे क्या को बात है। उसके अच्छा, बाद। मुझे ये बताइए, आपको प्रैक्टिस तो करनी नहीं पड़ती होगी, क्योंकि आपने इस तरह के जो रोल निभा रहे हैं, ये तो आपने 5 साल आप इसमें जीवंत रहे हैं, आपने जिया है खुद ही, तो मुझे लगता है बस आप बोलते हो शायद राइटर के संवाद भी, मतलब भाई मैं बोलती हूँ खुद ही अपनी तरफ से। मैं मानता हूँ इसमें कोई शक की बात नहीं कि फौजी का रोल निभाना मेरे लिए सबसे आसान काम हुआ, क्योंकि जी वो जिंदगी में जी चुका हूँ। बिल्कुल लेकिन जैसे कि 11 में एक सरदार जी की भूमिका निभाना, सरदार साहब हाँ की भूमिका निभाना, जो कि पंजाबी बोली सीखी, मैं यूटी का जी भैया हूँ, हाँ
मगर पंजाबी फिर पंजाबी सीखी, जैसे कि आए पौड़ा भी कर ली रही और किताबा ने नहीं देना कुछ, आए वाडिया नाल गल कर करनी चाहिए है, और वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, मुझे लगता है कि वह आज आपकी इस बात से जरूर मोटिवेट होंगे कि अगर कोई इंसान ठान ले तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। आपने एक दिन में छोड़ी, चलिए वो एक हफ्ते में छोड़ दे, लेकिन छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होंगे और कई लोग सिगरेट को जरूर छोड़ेंगे। अच्छा, डायलॉग संवाद की बात चल रही तो बड़ा आपने वो हिंदी का भी जो डायलॉग बोले जबरदस्त बोले, पंजाबी में तो मतलब और दिल खुश कर देता मैं बोलूंगा। अच्छा और जी जी एक कविता और एक कविता मैं सुनाऊंगा जरूर, ये रंगमंच से मैंने कहता हूँ क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ ना, मैं रंगमंच से और रफी साहब से मैंने ट्रेनिंग ली है मैंने। हाँ। बल्कि तो कोशिश ये सोहननाथ द्विवेदी की कविता है। हाँ। जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति के शो पे कही थी। जी। इसका है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से सौ बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो क्या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, पड़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब मैं क्या बोलूं, आप बिल्कुल जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स हैं आप। मैं तस्वीरों में आपको जब आर्मी के उस यूनिफॉर्म में देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ, फिर जब आपको इस तरह से संवाद बोलते हुए देख रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। अच्छा, एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है, हालांकि समय हमारे पास कम है, लेकिन आप मिर्ज़ा गालिब की जो क्या खतूत है, आप उसको भी बेहतरीन आपको याद हैं और जो फैज़ की आपकी भी उनकी नज़में याद है, तो कुछ ज़रा इनकी भी आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ खतूत और जो नज़में आपको याद हो प्लीज़। जरूर, मेरे को जबानी आते पूरे मिर्ज़ा गालिब के खतूत जितने भी लगे तुमने लिखे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर इंटरव्यू आपका, लेकिन एक जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने भी थिएटर के एक दो प्ले की, और एक बार मैंने मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत ही बेहतरीन नाटक है कैद हयात, तो उसमें मैंने मिर्ज़ा गालिब का किरदार निभाया था। अरे क्या खूब और मिर्ज़ा तप्पा होंगे आपके साथ में। जी मिर्ज़ा तप्पा, नवाब अलाई, बिल्कुल तो बिल्कुल, तो मैं चाहूंगा आप मिर्ज़ा गालिब या फैज़ की कोई भी आप खतूत या नज़्में, क्योंकि समय कम है, हम जाते जाते आपसे सुनना चाहेंगे। जरूर, मैं सबसे पहले फैज अहमद फैज की थोड़ी सी नज़्म है, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब की सुनाऊंगा। फैज अहमद फैज ने कहा था, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल सबाब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है, देख के अंगार की दुकान में टुंड है शोले सुर्ख है आज, खुलने लगे कुफरों के ताने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस जहां की मौत से पहले, बोल के साथ जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे, ये फैज है। और गालिब साहब की का एक खत है इस उर्दू में, प्लीज इसका मैं आपको तर्जुमा सुनाऊंगा, बड़ा दिलचस्प तर्जुमा है इसका। उनके बेस्ट फ्रेंड, उनके मिर्ज़ा तख्ता का मैं जिक्र किया, उनकी अहलिया की इंतकाल हो जाता है, तो वो ताकत में खत लिखते हैं। क्या लिखते हैं,
गम ना खाओ, जो न जान ना सही मुन जान सही। जब मैं बहिष्ट का तसव्वुर करता हूं और सोचता हूं कि अगर मगफिरत हो गई, एक कसर मिला और एक हूर मिली, अखामत जा वेदानी है, उसी ने एक पक्ष के साथ लखानी है, इस तसव्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है। हाय हाय वो हूर अजीरन हो जावेगी, तबीयत क्यों ना घबरावेगी, मियां होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। क्या बात है, कहने का मतलब ये है कि गम ना खाओ, चुना जानना सही मुना जान सही। अब तो समझो और आ जाएगी। बिल्कुल, जब मैं बहिष्ट का तस्वुर करता हूँ, डे ऑफ पैराडाइज, दुनिया खत्म हो गई जी, और एक कसल मिला और एक हूर मिली, कसल एक कैसल, एक महल मिला और एक हूर मिली, हूर परी मिली, अखामत जा बेदानी है, उसी नेक वक्त के साथ इंतकानी है। बिल्कुल, जिंदगी जी रहा हूँ। बिल्कुल, आपने वक्त का जिक्र किया अली शाह जी, वक्त भी हमारे पास थोड़ा सा कम है, नहीं तो इतना अच्छा लग रहा है मुझसे आपसे बात करते हुए, ऐसा लग रहा है कि बस मैं आपसे कंटिन्यू बात करते रहूं और आप कितने सारे अचीवमेंट और सबके ऊपर मैं चर्चा करते रहूं, लेकिन फिर हम कभी फिर से कभी एक आध मुझे चंग और करना पड़ेगा आपके इतने अचीवमेंट उसके ऊपर बातचीत करने के। लेकिन इस तक फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हम रूबर हुए रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी से, और जो कि एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। अगले बार हम फिर किसी शख्स से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।